मर गया वो। इतनी जोर से रोएगी तो वापस नहीं आ जाएगा ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के हर अंग को पैरालिसिस हो गया। क्या हो गया मल्लिका को, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? आप जिंदा है तो क्या हम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स कर लेंगे बैलेंस आउट करने के लिए? वो लड़के से बोलकर तेरे लिए भी सिंगापुरियन एनआरआई सेट कर लेते हैं। हाँ आई आई लव हिम, आई रियली लव हिम, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। और बता कैसी शॉपिंग चल रही है तेरी? अरे यार तेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, सब ठीक करवाना पड़ रहा है। लगता है मल्लिका आ गई। ठीक है तू शॉपिंग कर, मैं तुझे ज्वाइन करती हूँ लंच के बाद। हाँ चल बाय। जानवी और सानिया कहाँ हैं? सानिया के मम्मी पापा तो उसे वैष्णो देवी ले गए और वो जानवी को अपने साथ ले गए। वाव कितना बढ़िया घर है। आंटी जी आपको पता है स्कूल में क्या हुआ? टीचर को सब लोग ना बहुत परेशान कर रहे थे, सब लोग भूत भूत चिल्ला रहे थे पता है। और मेरे सर ने ये पूरी सिचुएशन बहुत कामली हैंडल की। उन्होंने सबको समझाया कि दुनिया में तो सबको जीरो ही बन जाना है, तो काम ऐसा करो कि जीरो बनकर भी आप हीरो बन जाओ। जैसे जीरो किसी नंबर के बाद लगने पर उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, बिल्कुल वैसे। हाँ ये तो है, सर ने सिचुएशन तो बहुत कामली हैंडल की। वो जो राजीव बच्चन है जिसने अफवाह फैलाई थी, उसको प्रिंसिपल सर ने ना अपने ऑफिस में बुलाया है, शायद अब उसे अपने पेरेंट्स लेने आ जाएंगे। शरारत करना चाहिए लेकिन किसी के मरने की अफवाह नहीं उड़ाना चाहिए, इससे उनके करीब लोगों को दिल का दौरा पड़ सकता है और वो कोमा में भी जा सकते हैं। ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। मल्लिका तेरे मोबाइल का सिम मैंने अपने मोबाइल में डाल लिया है, अब से तेरा फोन भी मेरे फोन पर आएगा, ठीक है? ओके मम्मी। और हाँ मम्मी यू आर राइट, जब सर के मरने की खबर आई तो सदमा मुझे भी लगा था, पर जब कल शाम को आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिल लगाने पे सिर्फ दुख ही मिलता है। मुझे दुख नहीं चाहिए मम्मी, मुझे सब खुशी चाहिए। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। दिल का रिश्ता बड़ा पुराना है, दिल से ज्यादा दिमाग से काम लो। और खुशी मिलेगी इस बात की भी क्या गारंटी है? जब किसी से दिल लगता है तो स्टार्टिंग में एहसास और फीलिंग्स कितनी अच्छी आती हैं। 100% खुशी मिलेगी। देख तू एक्टर बनना चाहती है ना, तो स्कूल में प्लेस, एक्टिंग क्लासेस, रिहर्सल में सारा टाइम और ध्यान दे। फिर जब पढ़ाई के साथ साथ मेडल और ट्रॉफी मिलेगी ना, फिर तुझे बहुत खुशी मिलेगी। आंटी मैं चेंज करके आओ। हाँ बेटा जाओ चेंज कर। हाँ राजीव बोल। हाँ हाँ हो गया तेरा, सॉरी अब नहीं सुनना मुझे। फ्लावर मेरे को नहीं चाहिए भाई, कोई फ्लावर बुके ऑर्डर कर दिया आज ही यार। ठीक है तू ना फोन काट दे प्लीज, हो गया मेरा देर से। वो राजीव जिसने सर के मरने की अफवाह फैलाई थी, अब वो इतना गिल्टी फील कर रहा है, उसने मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता ऑर्डर कर दिया।
आता ही होगा. एक काम करते हैं, आप ना उसको थप्पड़ मारो, उसको भी आपके हाथ का एक थप्पड़ पड़ना चाहिए. उसने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है. आज मैंने प्लम्बर को बुलाया है. तेरी मौसी के घर में बहुत काम बाकी है, वही सब ठीक करवाते हैं. तू जाकर दरवाजा खोल, मैं खाना लगाती हूँ. हाँ, ये फूलों का गुलदस्ता मल्लिका मैडम के लिए. मैडम इस पे साइन कर दीजिए ना. तुमने क्या इस पूरे एरिया की डिलीवरी करने का ठेका ले रखा है या सिर्फ मेरे घर की डिलीवरी करने का? इत्तेफाक है मैडम, सिर्फ एक अच्छा इत्तेफाक. मैडम यहाँ साइन कर दीजिए ना और अपना नंबर भी डाल दीजिए. मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर क्यों दूँ? अच्छा कि तुमने डिलीवरी करी है नहीं, मैं अपने पापा का नंबर दे देती हूँ उस पर. ओके, ये लो. थैंक यू मैडम. वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है. मैडम ओह गॉड, क्या इत्तेफाक है. ये इत्तेफाक हमेशा मेरे साथ ही होता है. आंटी खाना बहुत अच्छा बना है. थैंक यू. मलिका, वो प्लम्बर का कॉल आया था कि उसने किसी राजू प्लम्बर को भेजा है. राजू और प्लम्बर? बट अभी तो मैंने उसको भगाया है जब वो बुके लेकर गया. वो प्लम्बर भी है. गेट खोलती हूँ राजू प्लम्बर के. हेलो मैम. हेलो राजू. सानिया ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में. जब भी हम दरवाजा खोलते तुम दिख जाते हो. किसी ने पैसे दिए क्या जासूसी करने के लिए? बताओ. मलिका वो चाकू देना. बताओ वरना मैं इस चाकू से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी. बताओ. वो चाकू से खीरे के टुकड़े नहीं होते तो इस राजू के कैसे होंगे. धार करवानी पड़ेगी इस चाकू की. चलो रखो. मलिका राजू को मौसी का वॉशरूम दिखा दे. जा. आंटी जी, क्या आपने कल रात को मलिका को सच में तेज थप्पड़ मारा था क्या? काफी अलग अलग लग रही है वो. पहले वो सर के पीछे थी लेकिन अब नहीं है. मतलब आपके एक थप्पड़ से इंसान का नेचर चेंज हो जाता है क्या? क्यों, तुझे भी चाहिए एक थप्पड़? हाँ. अरे वो मलिका ने बात ही ऐसी की इसलिए आवेश में आके मैंने भी उसे थप्पड़ मार दिया. ठीक किया आपने आंटी, वरना हमेशा उसका सर पुरान चालू रहता है. ठीक है ना, पर दुनिया तो चलती प्यार से ही है. अगर सिर्फ मतलब के लिए ही हम एक दूसरे से बात करते रहेंगे तो नफरत नहीं फैल जाएगी जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर. हाँ मम्मी, मैंने राजू से बात कर ली है. वो काम करने के 200 रुपए लेगा अगर कोई पार्ट्स चेंज ना करते हुए तो. ठीक है. सर जी का फोन. हाँ सर, कैसे हैं आप? हाँ बच्चे भी ठीक हैं? हाँ मैंने मारा भी था तो आपकी वजह से. वो कह रही थी कि वो आपसे प्यार करती है और आपके साथ शादी करना चाहती है. हाँ बाकी अभी सब ठीक है. सर आप भी आकर उसे अच्छी तरह समझा दीजिए. ठीक है. ओके चलो रखती हूँ. सर को किसने बताया थप्पड़ वाली बात? तुझे भी तो एंटर करने के बाद पता चला. मैं तो तेरे साथ ही थी. मुझे नहीं पता, कसम से मैंने नहीं बताया. ओहो बहुत लेट हो गया. चलो चलो प्लेट दो, मैं निकलती हूँ. मौसी वहाँ इंतजार कर रही होगी. वो भी दो. चलो. मलिका मैडम बाथरूम में अच्छा प्रेशर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं. मैं चेक करती हूँ.
हार्ड वर्क क्यों करते हो राजू? कोई हार्ड वर्क के रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना है क्या जीतने के लिए? वो मैडम, मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छी फैमिली मुझे गोद ले ले। मेरा मतलब कि कोई अच्छी फैमिली मुझे फिक्स जॉब पे रख ले। काम तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम माहिर हो? मैं आपको 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी दे सकता हूँ, पूरा सेटिस्फाई कर दूंगा आपको। अरे मतलब मैं पंजाबी और चाइनीज खाना भी बना सकता हूँ, आप एक बार मेरे हाथ के बनाए खाना को खा लो, आप 100% सेटिस्फाई हो जाओगे। अरे खाना बनाना जानते हो और मार्केटिंग किसी और चीज की करते हो? अरे ऐसा बोलो ना कि उंगलियां चाटते रह जाओगे खाना खाकर। मम्मी मैंने वॉशरूम में सब कुछ चेक कर लिया है, पानी भी अब ठीक से आ रहा है। देखा, इस काम के भी 100% गारंटी दे सकता हूँ। अरे आंटी जी, इस गारंटी वाले बाबा को ना 200 रुपए दे दो और तुम यहाँ से 100% गायब हो जाओ। मल्लिका देखना मेरे पर्स में 200 होगा, राजू को दे दे और उसका नंबर ले ले, आगे काम आएगा। थैंक यू मैडम। मैडम ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, राजू रस्तोगी, कोई भी काम हो एकदम से फोन करो। ठीक, मैं फरहान कुरैशी। हाँ मैडम, निकलो मेरे घर। अरे मैडम, मैडम निकलो निकलो। अरे जा रहा हूँ यार, अरे मैडम जा रहा हूँ, जा रहा हूँ यार। चल मल्लिका बेटा, मैं लेट हो रही हूँ, मौसी वहाँ इंतजार कर रही होगी, तुम ये सब ठीक कर देना हाँ अच्छी तरह से, और मैं अपना मोबाइल तेरे लिए छोड़ के जा रही हूँ। चलो ओके। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। तू एक काम कर, तू ना सर को फोन कर और उनसे पूछ उन्हें कैसे पता चला मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा है। तू छोड़, मैं ही करती हूँ। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, मैं ठीक हूँ। नहीं बस थोड़ा कान बज रहा है, ज़रूरी भी था ना एक्चुअली वो। ठीक है आप सब। वैसे आपको किसने बताया मेरी मम्मी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा है? उसको कैसे पता चला? ओके सर, आज मिलते हैं फिर। अरे इतना दुखी क्यों हो रही है? एक थप्पड़ ही तो खाया है, वो भी माँ के हाथ से। मैं होती तो मैं प्राउड फील करती यार। रिया, सर को राजीव बच्चन से पता चला है। क्या? हेलो। हाय। हेलो। हाय। कितना पैसा दिया मैंने प्लम्बर को? हाय जी दोस्तों, क्या ये क्या 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 कर रहा है? कितना पैसा दिया मैंने प्लम्बर को बता ना। 200 रुपए दिए हैं। कैसे मालूम पड़ा? ये बुके में तो कुछ I'm not afraid of the dark.